देखिए दीपेश मिश्रा जी, आप घर में आराम कर रहे होंगे और आपका सामान, सिंगर साहब का अपना सामान सब लोग लेके आए हैं। बंदरों के लिए हम लोग बिछा रहे हैं। सामने गंगा जी का मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं, एक धारा उधर से गंगा की, एक धारा इधर से, और हम लोग आए हैं। आज बंदर इस भीड़ के वजह से अब हम लोग कोशिश करेंगे एक दूसरे दिन रखा करेंगे। देखो यहाँ गंगा जी में कहीं धूप पड़ रही है, कहीं छांव पड़ रही है। वो देखो नीचे जो हमारे साथ हैं सिंह साहब, हम तो देख लो, हाँ नहीं सिद्धार्थ जी और उनका और वो बीरेन जी का देख लो, देख के बुला दो। तो काफ़ी आज बड़ी वार्तालाप हुई है और बड़ा ज़रूरी था। आज से नहीं, एक ज़माने से सेंगर साहब हमारे, बीरेन जी हैं, सेंगर साहब हैं, ये लोग एक ज़माने से हौसला हमारा बढ़ा रहे हैं, समझिए जीवित रखा हमको। हाँ वो अंदर मंदिर में गए हैं, बीरेन जी नाम है उनका। अब सेंगर साहब वहाँ चना दे रहे हैं क्या? वो नीचे खंड में गए हैं क्या? नहीं, नहीं। अच्छा, अब यहीं बुला लो सबको, याद आइए आइए, कुछ बताना है। ये सरिया वगैरह गड़े, इनको ध्यान दीजिएगा। आइए अब वो भी आ जाए, वो भी सुन लें। हाँ, नीचे हैं, आ रहे हैं। आ रहे हैं, ठीक, इसको हम रोक रहे हैं। हम लोग आते हैं यहाँ पर तो वीडियो यहीं बनाते हैं। देखो भाई चाबू है, ये छोटे बटन को हमने दाब दिया था, लाल बटन हट के दो लकीर है। चालू 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 है, नहीं नहीं, हम लोग उस साइड में हम, हाँ तब आएगा। वीडियो बन रही है ना, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है, संजोग देखिए, सब संजोगे में काम बन रहा है। अब हम सिंह साहब लोगों का ध्यान इनके नॉलेज में हम डाले देते हैं कि ये लोग, इन लोगों की आवाज़ भाई आज से सरकार में जुड़े हैं। ये लोग एक ज़माना बीत गया, बड़ी बड़ी पोस्ट पर रह चुके हैं, अब इनको मालूम है कि कौन बात कहाँ से पहुँचाई जा सकती है। अब इधर आ जाओ, तो करीब आ जाओ, इधर सिंह साहब आप लोग देखिए, ये जो गुंबद है सब आप ही लोगों के पूर्वजों का बनवाया हुआ है, सब राजे महाराजाओं की स्टाइल पर उसी डिजाइन से बना है। अब सिंह साहब ये बताइए कि ये दोनों गुंबद के ऊपर बेबर लगा के काई को रेग माल से रगड़वा के और जो सुनहरा पेंट चला है जिससे राणा बेनी माधव जी की प्रतिमा रंगी गई है, अगर वो दोनों यही सुनहले से रंग दिया जाए केवल गुंबद गुंबद को, तो मालूम पड़ेगा कि पंजाब का स्वर्ण मंदिर यहीं आ रहा है। कितना, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। तो नॉलेज ने इसलिए डाल दिया कि बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, है कहीं कोई संजोग ऐसा बने तो कहीं न कहीं मुद्दे को रखना है। अरे एक से एक डेंट पेंट वाले, पेंट बेचने वाले बड़े बड़े करोड़पति आदमी, अरे इससे ज्यादा ज्यादा 10-20 हजार का खर्चा होगा, 15 हजार में तो हो जाएगा। तो लेकिन ये दोनों चमचमाता जब चमकेगा धूप में सोने के जैसा, क्या सीन बनेगा। और रायबली का सबसे पुराना सबसे अच्छा घाट ये है, आज का नहीं है, एक जमाना बीत रहा है। निराला जी की देखिए मूर्त लगी है, उनकी पत्नी की मूर्त लगी हुई है, और ये पक्का घाट संकट मोचन मंदिर है, जलमऊ घर पर सबसे ऊंचे स्थान पर हम लोग खड़े हुए। और यहाँ का घाट साधु जी, ये दोनों गुम्बद जो है ये सब चमा जाएगा। अरे वाह वाह, जय हो जय हो प्रभु। बस इसमें देखिए, ये गंगा जी के किनारे साहब, इसमें भले हमको 101 देना पड़े, जो भी है ना, हम ये तैयार हैं, मतलब तमाम लोगों से कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको, ये कार्य हम करवा देंगे। ये दोनों गुम्बद जो है
अरे एक रुपया तो हमारा लाइन नहीं, तो एक रुपया फिर बात का काम करवा देंगे, कृपा है, करवा है ना, हो जाएगा। ये कितना मनोरम, ये बार उसको रंग दिया जाए ऊपर से, ये चमचमाएगा। आपका गाना बिल्कुल सही है, आपका आशीर्वाद मिल गया, ये रंग गए। अरे जय जय, हजारों लाखों आदमी इसको देखेंगे समझेंगे, है ना, बिल्कुल नहीं हो जाएगा, बड़ी चीज हो जाएगी। माँ गंगा के हम लोग यही दर्शन कर रहे हैं, ये आदमी भेजिए, आदमी है, अच्छा उसी गाड़ी में रखे, गाड़ी में, हाँ इनको भेज, सुशील देखो जो भैया बता में वही दिया। सब देखिए क्या संयोग हो रहा है। चौहान साहब आप तो थोड़े समय में बहुत ज्यादा पुण्य कमाया है, आपका कमाया पुण्य दिल्ली तक में दिख रहा है, लेकिन देखिए पुराने की बातें अलग होती है, हैं कि ये लोग, ये हमारे सिंगर साहब हैं, वीरेंद्र जी हो गए, एक समय से जमाना बीत गया सम्मानित कराते हुए, हैं तो वो संजोग देखिए, तो पुरानी बातों का बड़ा एक वजूद होता है। ये बताइए सेंगर साहब कि जब गाड़ी है ही है तो मोटरसाइकिल से एक ही जने, ये मोटरसाइकिल भी अंदर बीच में रखी जा सकती है गाड़ी? नहीं नहीं, कहाँ करेगा वो मोटरसाइकिल, जहाँ जहाँ चलो तो चलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जहाँ आपकी, नहीं नहीं हमारा मतलब कि अब साथ ही साथ लाइब्रेरी भी, लाइब्रेरी तक हम देखा जाए। सिंगर साहब तो जो आपके खानदान में, परिवार में जो लोगों ने काम किया है, वो रायबली के आप लोग स्तंभ हैं, खंभे हैं, और रायबली के खंभों को खंभे ही पहचानेंगे अपने छत के बारे में, पता। यह हनुमान जी की कृपा थी, और जहाँ जहाँ आपने जो जो हाथ डाला वो काम में आप सफल रहे। चौहान साहब कहाँ पावई, हमका कहाँ इनका बस चले गई, हमका राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा लिए, कितना इनके अंदर उतावलापन था। जब ये क्या, ये हनुमान जी से करवा रहे थे। आइए साहब बैठिए, सब ये हनुमान जी सब करवा रहे थे जी। अब कहाँ से कहाँ देखिए, और गंगा जी में इतना बड़ा ये संधि होनी थी, आज एक पुरानी चीज को उजागर किया, और जरूरी है अगर ये लोग, हम लोग चले जाएंगे तो ये कौन आगे इसको लाएगा, ये आजकल के ये सब दलाल लोग लाएंगे देश को आगे। अब देखिए जनता को कितनी तकलीफ है मार्ग में, क्यों चौहान साहब? नहीं, प्रसाद है, प्रसाद ग्रहण किया जाए, और अगर ज्यादा खाने की इच्छा है तो 14 मील में 2 मिनट के लिए रुका जाए वहीं पर, वहाँ जो 14 मील के चाय वाला है, मिठाई वाला, वो कहता है बाबा चाहे मिठाई खाओ चाहे चाय पियो, पैसा हम न ले बाप से, वो इतना सम्मान करता है। क्या संयोग है देखिए चौहान साहब, हाँ देखिए संयोग देखिए आप, कि अगर हम जो एक दिन मामला टला तो ये लोग मिल गए, कहीं ना कहीं से हम लोग लाभ में रहे। अब ये सर, ये सुशील हर मंजिल में चना डाल दो, यहाँ ऊपर डाल दिया। हाँ 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 हाँ, नहीं अभी चलना नीचे, सब कसके इनमें फैला दो, और फैला के डालो कोई बटोरे न पावे, ए और नीचे वाला जो शंकर जी का मंदिर है उसके ऊपर बा, अच्छा अच्छा नहीं मंदिर के छत के ऊपर, अगर खाली छत के ऊपर बहा देना बस अगल बगल। अरे जहाँ दोपहर के बाद सब आ गई है बेचारे, हाँ।